अभी भाई शाम के बज रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं, 1 मिनट है। तो अभी हम उठे हैं 7 बजे करीब, हम सो गए, तो अभी हम पी रहे हैं मस्त चाय, इसमें मस्त वही हम। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं छत में क्या करना है, छत में हम स्पेशल चीज़ लेने आए हैं जो इसके अंदर छुपी हुई रखी है। ये हमारा पुराना था जो वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ था क्लोजेट, इसके अंदर से हम लेने आए हैं ये बंद हो भाई साफ़ी। ये साफ़ी क्या करता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फॉर नेचुरल ग्लोइंग स्किन। ग्लो मतलब कि नेचुरल क्या करता है, जो ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, मतलब ब्लड भी साफ करता है तो ग्लो भी करेगी स्किन मस्त। तो मस्त से पीते हैं, क्या क्या तो आयुर्वेदिक चीज़ें इसमें भर रखी हैं, मज़ा आएगी। चलो तो आज भाई हमारा दूसरे फेस में पंखा लगेगा, तो ये पंखा रखा है, इसको पहले घिसेंगे मस्त। और ये पापा कमरे में एसी वाले में लगेगा, जो उसमें पुराना लगा हो मेरे को, मतलब सारी पुरानी चीज़ें पापा मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी में खुश रहो। मैंने कहा जो मेरी थी वो भी छीन लिए। तो देखो भाई, ये पंखा बना है क्लॉक वाइज घूमने के लिए, तो एक साइड की ब्लेड सीधी, एक साइड की ब्लेड नीचे है, तो इसीलिए क्लॉक वाइज घूमता है। तो यहाँ से हवा आती है, ब्लेड टेढ़ी है तो हवा नीचे फेंकता है, पर ये एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो क्या, यहाँ से हवा उठाएगा और ये ऊपर फेंक देगा। इसीलिए पंखे की ब्लेड हमें कल मोड़नी पड़ी, तो हम इस साइड से मोड़ दिए, तो ये पंखा एंटी क्लॉक वाइज बन गया जुगाड़। तो ये देखो भाई, स्वच्छ भारत की कुछ नए तरह की गाड़ी, ट्रैक्टर में गीला इधर सूखा उधर, वाह। तो मम्मी देखो मेरे को कबाड़ी कहती थी, इसका एक नट घूम गया था, तो मैंने एक नट इसमें लगा दिया, पर ये नट बड़ा होता था। तो इसमें क्या, ये जो एक्वागार्ड का पीछे से इनलेट देते हैं ना, तो उसमें वॉशर लगता है, तो ये वॉशर भी मैंने संभाल के रखा था, जबकि काम का नहीं है एक्वागार्ड के लिए, फिर भी मैंने नट के नीचे लगा दिया क्योंकि नट बड़ा था। तो देखो मेरे को मम्मी कबाड़ी क्यों कहती हैं, मेरी जुगाड़ से ये देखो सब चीज़ें काम हो रहा है। तो भाई चीज़ों में बड़ा झोल माल है, यहाँ पास पंखा लगा बटन दबाया, भाई पंखा ही नहीं चल रहा था, पापा बताए, मैंने कब छोड़ो जाने दो। फिर मैं क्या कमरे में ऐसे ठुक करा तो चलने लगे, मेरे को पता ना बटन ढीली है। और यहाँ पास पंखा सिर्फ देखो नीचे वाला 4 और 5 में चलता है, 4 में तो एक नंबर जितना चलता है, 5 में तो फुल स्पीड में चलता है, और ऊपर से 5 नंबर में चलता है। हमारे ऐसा कम ज़्यादा करने का फीचर नहीं है, एक तो जो चलेगा एकदम लेवल पे ही चलता है, अब उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि फीचर बहुत गलत है, कई जगह से बटन बाहर निकली हुई है, उसमें नट कस के उसको अंदर लगाना पड़ेगा, नहीं तो बटन की जगह तार छू दिए तो गजब ही हो जाएगा। फिर यही सब हो रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड में चीज़ें जम गई। अब तो ऐसा लगता है कि कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जम चुकी हैं इतने परफेक्ट से। मम्मी लहसुन छील रही हैं, मत छीलने दो। तो अभी भाई शाम के बज रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं, 1 मिनट है। तो अभी हम उठे हैं 7 बजे करीब, हम सो के, तो अभी हम पी रहे हैं मस्त चाय, इसमें मस्त वही हमारा पाउडर डाले और मिश्री की वाली चाय बना, हमने शक्कर की नहीं मिश्री की चाय बनाई, तो बहुत पीते हैं, थोड़ा करते हैं, क्योंकि जब भी शाम को उठो ना थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। तो आज मैं क्या 3 बजे सोया, फिर शायद 4, 4:30 बजे खाना खाया उठ के, फिर सोया, फिर 6:30 बजे उठा, 7 बजे उठा, अब यही पूरा रूटीन है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें भाई नेगेटिव भी दिख रही हैं, सही भी दिख रही हैं, बहुत टेंशन भी हो रही, बहुत वरी भी हो रही, उसके बारे में चलो बात करते हैं थोड़ा। तो भाई ऐसे IPL YPL का मैच देखने के बाद, सब कुछ खेलने के बाद हम यहाँ पास आए कि सोशल मीडिया में कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं। देखो अगर वहाँ 1 करोड़ डॉक्टर, टेक एन एग्जांपल, 1 करोड़ डॉक्टर हैं, उसमें से 1% खराब निकलते, सिर्फ 1 लाख, तो उनके कारण बाकी 99 लाख डॉक्टरों को भी बेइज्जत होना पड़ता है, शर्मिंदगी होती है, उनको भी लोग तंग करते हैं, उनको भी बोलते हैं जो अच्छे हैं, जो अपनी लाइफ रिस्क में लगा के हमें बचा रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया में वीडियो आ रही, आप बिना सोचे उस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर देते हो, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर अपनी जान लगा रहे हैं कुछ भी के, उनकी वीडियो आप शेयर ही नहीं करते। और भाई आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्यों भरोसा कर रहे हो, वहाँ जो ऐसे बड़े बड़े पार्टियों के साइबर सेल सिक्योरिटी बैठे हैं ना, साइबर सेल वाले, वो चाहते ही हैं कि एक दूसरे के खिलाफ फैलाएं, यहाँ दूसरी सरकार है उसके लिए दूसरा, जहाँ दूसरी उसके लिए दूसरा, ये साइबर सेल का यही काम है। वो अच्छे चीज़ों में नहीं लगा सकते कि हम भी मदद करते हैं, कि डोनेट करते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आगे आके जो भी मदद हो सकती है, मतलब एक हेल्प रीच आउट तो कर रहे हैं कि नहीं किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, भले मिले ना मिले वो बात अलग है, आप रीच आउट तो कर रहे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को पता हो या किसी के पास अवेबिलिटी हो उस चीज़ को करने के लिए, अवेलेबल उसके पास बेड, ऑक्सीजन टैंक, प्लाज्मा। लेकिन यह पॉलिटिशियन अपना ही फायदा देख रहे हो, लिंक प्रूफ है, मेरे पापा ने सिंपल बोला कि पार्टियां रैली कर रही हैं उन्हें करने दो,
लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? बहुत सही चीज़ है, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ फालतू में? तुम्हें क्या मिल रहा? तुम अगर एक नेता को नहीं देखोगे, इसका मतलब ये नहीं कि पहले भगवान नहीं है जो एक ही बार धरती पे आए हो। नेता है वो, हर 5 साल में आएंगे वोट पा के। तुम उनको अपने ज़िंदगी के 50 साल में आसानी से कितने बार देख लोगे? 50 साल में 10 बार उन्हें देख लोगे। क्यों भैया, 50 साल जी जाओगे ना, 10 बार देख सकते हो, लेकिन फिर भी वो रैली कर रहे हैं, उन्हें करने दो। तुम अपने घर में रहो, तुम अपनी सेफ्टी देखो। तुम क्यों जा रहे हो भैया रैली में एकदम खुश होकर? फिर कहते हमारा तो हेल्थ केयर सिस्टम बुरा है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, सरकार ये छुपा रही है। अरे तुम खुद जा रहे हो रैली में, तुम वहाँ से खुद सिम्टम्स लेके आ रहे हो, अपने परिवार को दे रहे हो और लोगों को फैला रहे हो, उसमें तुम कुछ ध्यान नहीं दोगे और फालतू गला फाड़ के चिल्लाओगे, इससे थोड़ी ना खुश होगा। नहीं ना, सिंपल। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग हम आज एंड करते हैं, मतलब बहुत अच्छा आज IPL मैच अगर आपने देखा होगा, थोड़ा चेंज इन टॉपिक, तो भाई विराट कोहली और उनकी टीम ने, सर उसका नाम नहीं पता प्लेयर का, पर बहुत खतरनाक खेले, मतलब एक भी विकेट नहीं। राजस्थान के कई प्लेयर चले गए हैं, वो पता, जोफ्रा आर्चर वगैरह चले गए हैं, पर भी राजस्थान ने भी अच्छा प्ले दिखाया, मतलब उनने भी एक अच्छा टारगेट दिया था, मतलब रिजनेबल टारगेट, बेइज्जती ना हो। पर RCB गजब ढा रही है भाई, पर क्या RCB जीतेगी इस साल? भाई कोई भरोसा नहीं। 2020 और 21 में तो ऐसी चीज़ें हो गई जिसका यकीन नहीं मान सकते, तो RCB का जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। RCB जीत जाएगी ना, मैं शौक नहीं होऊंगा ना, तुम लोग भी शौक नहीं होगे पूरा। हो सकता है RCB इस बार जीत जाए, मतलब फाइनली। इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज यूजिंग यू फॉर इट्स मार्केटिंग एंड मनी मेकिंग ट्रिप्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर दी प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। तो एक था डुओ बॉक्स या 13 बॉक्स अब हो गया, जैसे जब शुरू में ब्लॉगिंग बनाई थी तब ये 1 TB का आया था, फिर इसमें आज के मैं जब अपडेट करने के लिए खोला तो इसका जो रहता है ना कि विच कंपनी बाय पब्लिशस्ट और रहता है, तो इसमें कोई चाइनीज से नेम लिखा है, मेरे को हुआ थोड़ा कन्फ्यूजन। मैं सर्च मार दिया, मैंने सर्च मारा तो इसका पता चला, जो डुओ बॉक्स है 13 बॉक्स है, नाम तो इसका हिंदी ही है लेकिन ये ओन्ड है बाइडू। बाइडू तो चाइना का ही सर्च इंजन है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये चाइना हो गया। फिर थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, जब पता चला तो इसका सर्वर जो है वो चाइना में है, मतलब किसी भी चीज़ का सर्वर अगर चाइना में है ना तो वो डेंजरस भैया, बहुत बड़ी डेंजरस चीज़ है, उसका कुछ नहीं हुआ। आपका डेटा उसमें लगा, हम आपका सारा डेटा लेते हैं, हम आपका सारा डेटा रीड करते हैं, वहाँ तक ठीक है भैया, लेकिन वो डेटा वो थर्ड पार्टी के साथ भी देते हैं। इनने ये सिंपल से चाइना में भी किया था, 2011-12 में इनने सेम 2 TB की फ्री स्टोरेज दे दी। कुछ सालों बाद जब सबने 2-2 TB फ्री स्टोरेज भर दी तो डाउनलोडिंग स्पीड उसकी 50 KBPS कर दी है। मतलब अगर तुमने 2 TB उसमें भरा और 50 KBPS की स्पीड है तो उसको कितना टाइम लगेगा 2 TB वापस डाउनलोड होने में। ये इनकी टैक्टिक्स थी, आज मेरे को पता चला तो आज मैंने वापस अपलोड कर दिया, डुओ बॉक्स हटा दिया, जो भी फाइल्स डाली थी डिलीट कर दिया, फिर एंड्रॉयड में जाके जो उसके इंटरनल सोर्स भी थे उन सबको भी डिलीट कर दिया ताकि उसका कोई लिंक ना रहे। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, अगली बार से मैं बिना ऐसे जान पड़ताल के नहीं ही करूँगा भैया। मैंने उस टाइम लालच में आके कर दी, और हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो भी बिना जाने समझे पोस्ट दिए थे 1 TB फ्री मिल रही। और जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट कर लेते हो ना तो वो मुश्किल हो जाता है फिर उनकी बात ना सुनना। इनने ट्रस्ट पेक कर दिए, मतलब इनने फिर न्यूज़ के लिए पेल दिया भाई, गलत किया ना, थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन तो देते कि चाइना का है भैया, कोई डाउनलोड नहीं करता। आप भी सतर्क रहो, आपने किया या आपके दोस्त ने किसी ने किया तो उसके फ़ोन से हटवाओ। फ्री स्टोरेज कुछ ही ऐप देते हैं और एक हद तक देते हैं, 2 से 2 GB, 5 GB, 10 या 15 GB मैक्स, उससे ज़्यादा फ्री में नहीं मिलेगी। या तो 5-10 कर लो या Gmail बना लो, 4 15 आपको मिल जाएगा 60 GB का फ्री स्टोरेज, समझे।